सुबेरा उसी समय जिंदगी में आता है जब जीसस आता है। व्यवस्था का बंधन यीशु ने खोल दिया। तूने सिर्फ और सिर्फ यीशु पर भरोसा किया है। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य तुझ पर आ रही है। झारखंड से नीलिमा मुर्मू। मेरी उम्र अभी 30 साल है और मेरी शादी को 3 साल हो गए। 2014 में जब मेरी शादी हुई, शादी के एक साल बाद जब मैं कंसीव नहीं करने लगी तो हम डॉक्टर के पास गए जुलाई में। और 2015 जुलाई की बात है, जब हम डॉक्टर के पास गए तो मेरा 2 प्रॉब्लम डायग्नोस हुआ और उसमें से पहला था मेरे दोनों ओवरी में पॉलिसिस था और मेरे यूट्रस में भी इन्फेक्शन था। और जब वहाँ से रिपोर्ट लेके आए तो चूंकि पहली बार था कि इन सब बीमारी के बारे में हम जाने और हम बहुत परेशान थे और हम बहुत रो रहे थे और हम अपने रिपोर्ट को लेके हम अपने आत्मिक पिता ब्रदर रंजीत के यहाँ गए। और जब उनको हमारी इस समस्या के बारे में पता चला तो वो बहुत बोझ के साथ, बहुत आंसुओं के साथ उन्होंने प्रार्थना की और उन रिपोर्ट को उन्होंने कैंसिल किया। जब वहाँ से वापस आए, एक साल बीत गया और वो पूरे साल मैं अपनी चंगाई के लिए धन्यवाद की प्रार्थना करती थी और परमेश्वर के वचन को मैं बार बार बोलती थी कि उसके कोड़े खाने से मेरे दोनों ओवरी चंगी हो गई है, दो ओवरी से पॉलिसिस्ट खत्म हो गया है, मेरा यूट्रस चंगा हो गया है। एक साल बीत गया, जुलाई 2016 आ गया। जुलाई 2016 में फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए और जब हम डॉक्टर के पास गए तो मेरी जो यूट्रस था वो चंगा हो चुका था पर मेरी ओवरी में पॉलिसिस था और उसका सबसे बड़ा जो दिखाई दिया वो था कि क्योंकि मैं कंसीव नहीं की थी। और डॉक्टर ने फिर वहाँ एक नया जांच करने को कहा और वो था कि आप एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट होंगे और आपकी ओवरी से टिश्यू निकाला जाएगा और वो जाँच के लिए बाहर भेजा जाएगा कि क्यों आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। चूँकि हमारे पास पैसे नहीं थे और हम बहुत दुखी थे, जब हम वहाँ से आए तो मैंने उस दिन ठान लिया कि अब मैं अपनी इस चंगाई के लिए सिर्फ मैं यीशु से कहूँगी और यीशु से ही प्रार्थना करूँगी। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उनकी प्रतिज्ञाओं के लिए, उनकी हर प्रतिज्ञाएँ सच्ची हैं। और मैं ढूंढने लगी क्योंकि मैंने वचन में पढ़ा था कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में मुझ तक पहुँच गई है। क्योंकि जिनको पॉलिसिस्ट होता है वो कंसीव नहीं कर पाती, ये मेडिकल साइंस कहती है। और मैं लंबा ट्रीटमेंट में भी नहीं जाना चाहती और कई बार हमारे पास ये ख्याल आया कि हम एडॉप्ट करें या हम टेस्ट ट्यूब बेबी करें पर उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। मैं आंसुओं के साथ हर सुबह प्रार्थना करती थी और परमेश्वर की हर प्रतिज्ञाओं को मैं डेली बोलती थी। हमारे आत्मिक पिता ब्रदर रंजीत की प्रार्थनाओं को सुना, वो हमसे बहुत प्यार करते और बहुत उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किए हैं। इस साल 2017 आ गया और इस साल में मेरे लिए भविष्यवाणी ब्रदर रंजीत ने किए 2 बार कि मैं तेरे कोख में संतान देख रहा हूँ। मैंने परमेश्वर की इन भविष्यवाणी पे, इन प्रार्थनाओं पर विश्वास किया। मैं 2017 12 तारीख की बात है, मुझे मालूम नहीं था मैं कंसीव कर चुकी थी, 1.5 महीना हो गया था। 12 मई को ये पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अभी और मेरा ये प्रेगनेंसी का 5वां महीना चल रहा है। परमेश्वर को सारी महिमा मिले। सभी दर्शकों को मेरा शालोम। और मुझे खुशी है कि मैं अभी
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बहुत सारे दर्शकों से मिला हूँ। बीते दिनों में मैं चंडीगढ़ में था, पंचकुला में, और वहाँ पर बहुत सारे भाई बहनों को छुटकारा मिला। रोहतक में मैं था और वहाँ पर मैंने बहन अंशु से मुलाकात की, तनु से मुलाकात की। सब जगह परमेश्वर के कार्य को मैंने देखा और मैंने ये भी पाया कि हमारे कार्यक्रम के द्वारा बहुत से लोग अभिषेक और छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। अभी अभी आपने नीलिमा की टेस्टिमनी को सुना है कि किस तरीके से डॉक्टर ने उसे कह दिया था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन वो माँ बनी। मेरे हृदय में एक बोझ है जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स मुझे मिले हैं जिसमें बहुत सी बहनों ने ये बताया है कि वे निसंतान हैं और किस तरीके से घुटन का जीवन, आंसुओं का जीवन, लज्जा का जीवन वो जी रही हैं। मेरे पास एक अच्छी खबर है आज सुबह आपको ये बताने के लिए कि परमेश्वर आपको संतान की आशीष देने के लिए प्रतिज्ञा कर चुका है, क्योंकि उसने उत्पत्ति में ये कहा कि फूलो और फलो। आदम और हवा जब बनाए गए तो हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनसे ये वादा किया। आपको बताना चाहता हूँ कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। तो आज के प्रसारण में आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएं, क्योंकि जब मैं अंत में आपके लिए प्रार्थना करूँगा तो परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में आएगी। कुछ दिनों पहले मेरे फ्लैट पर एक बहन आई और वो मुझे बताने लगी कि उसके शादी के करीब 8 साल हो चुके हैं और उसके पास संतान नहीं है। उसने टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए भी काफ़ी कुछ पैसे लाखों में खर्च किए, लेकिन फिर भी उसे संतान नहीं मिली। जब सारे वर्णन को मैं सुन रहा था, बातचीत में कर रहा था, तो मैंने एक सवाल पूछा कि क्या आप सचमुच संतान चाहती हैं या टेस्ट ट्यूब बेबी चाहती हैं? और तब उसने कहा कि मैं चाहती हूं कि परमेश्वर मेरी सुधि ले। आपको बताना चाहता हूं कि उसके पति ने उससे कहा कि तुम मुझे एक बच्चा भी नहीं दे पाई। जब इन बातों को बता रही थी उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उससे कहा परमेश्वर मेरा असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि फ्लोरेंस टूडू नाम की एक बहन से मैं मिला और एक छोटी सी मीटिंग हो रही थी और उसमें वो मुझसे मिलने आई। उसने 8.5 लाख रुपया टेस्ट ट्यूब बेबी पाने के लिए खर्च किया, लेकिन जब भी ये प्रयास होता था, जब भी ये मेडिकल प्रोसेस चलता था, सब कुछ बेकार हो जाता था। मैंने उसके हाथों को पकड़ा और मैंने कहा फ्लोरेंस, तुम्हें नेचुरल चाइल्ड चाहिए, मिराकल चाइल्ड चाहिए या टेस्ट ट्यूब बेबी चाहिए? उसने मुझसे कहा मैं नेचुरल चाइल्ड चाहती हूँ। ठीक उसी समय मैंने हाथ को पकड़े पकड़े परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज किया और मैंने कहा कंसीव इन जीसस नेम। 3 बार मैंने कहा कंसीव कंसीव कंसीव। और कुछ दिनों के बाद मेरे पास फोन आया, आप स्क्रीन पर उनकी बच्चे के साथ देख सकते हैं। कुछ दिन के बाद उसने बताया कि वो माँ बन गई है और उसे बहुत सुंदर सा बेटा प्राप्त हुआ। कितने पैसे खर्च हुए फ्लोरेंस? 7-8 लाख रुपए। वो भी मैंने लोन लेकर इलाज कराया था और वो सारे पैसा बेकार चला गया। मैं निराश हो गई थी, लेकिन मैं जब ब्रदर रंजीत कुमार से मिली, उन्होंने मेरे लिए भारी बोझ के साथ प्रार्थना किया, मुझे भरोसा दिलाया, मुझे बताया कि परमेश्वर के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है और अभी आपके सामने है, मुझे मेरा बेटा मिल गया है। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम सैमसन मुर्मू और मुझे बहुत खुशी है कि गॉड ने मुझे ये गिफ्ट दिया। हालेलुया। आज के संदेश में मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ और आइए परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 30 अध्याय और यहाँ पर राहेल का और याकूब का वर्णन है।
यहाँ लिखा हुआ है, जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वो अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे नहीं तो मर जाऊंगी। ये तो चुभने वाले शब्द हैं, एक दर्द भरे संवेदना सुनाई दे रही है। राहेल एक ऐसे परिवार से जुड़ी हुई है जो परमेश्वर को जानता है, वाचा के दायरे में आती है, कवनेंट पीपल हैं ये। कवनेंट पीपल का मतलब होता है परमेश्वर ने वाचा बांधी है अब्राहम से और उसे कहा, मैं तेरी संतान को बालू के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। लेकिन यहां तो यह हाल है कि राहेल के पास संतान नहीं है। याकूब से वो दर्द भरे शब्दों में कह रही है, मुझे संतान दे। शी इज डिमांडिंग, वो रो रही है, अपने दुख को वो प्रकट कर रही है और सोच रही है, सबको संतान मिल रही है, मुझे संतान क्यों नहीं मिलती, मुझमें तो कोई गड़बड़ी नहीं है, मैं याकूब से प्यार करती हूँ, मैं परमेश्वर को जानती हूँ, हम एक ऐसे परिवार से हैं जहाँ परमेश्वर हमारे साथ रिश्ता रखता है, फिर भी निसंतान है। आज बहुत सारी बहनें ऐसे ही कह रही हैं कि उनको संतान की आवश्यकता है, उनकी गोद में बच्चा कब आएगा, कब घर में खुशी आएगी, कब एक उत्सव मनेगा, कब एक बच्चे का जन्मदिन मनाया जाएगा, कब मैं कार्ड छापूंगी, कब मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगी, कब मैं अपने पति को खुशी दे पाऊंगी। सवाल ये है, बहुत से लोग सोचते हैं संतान नहीं होने पर उनकी संपत्ति का वारिस कौन होगा। बहुत सारे प्रश्न संतान के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है। मेरा परमेश्वर कहता है अब्राहम से, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? नहीं, परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने प्रसारण में अपने दर्शकों को और ये संदेश उन माताओं बहनों को मैं डेडिकेट कर रहा हूं जो अपने जीवन में इस तरीके की लड़ाई, इस तरीके के आंसुओं का सामना कर रही हैं। बाद में आप देखते हैं कि संतान का जो इश्यू है वो सारा ने भी फेस किया। अब्राहम और सारा भी निसंतान थे। एक तरफ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करके कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा। आइए खोलते हैं परमेश्वर के वचन को, उत्पत्ति 12:2, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। बड़ी जाति बनाऊंगा, जाति कैसे बनाऊंगा यदि संतान नहीं है, और तुझे आशीष दूंगा। किसको आशीष देगा परमेश्वर? और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। अब्राहम को इतनी बड़ी प्रतिज्ञा दी गई। ये प्रतिज्ञा केवल अब्राहम को ही नहीं मिली, ये प्रतिज्ञा समूचे यहूदी समाज को मिली, ज्यूस लोगों को मिली, इसराइल को मिली, आपको मिली। यीशु मसीह में आने के बाद ये प्रतिज्ञा आपकी भी हो गई। आपको यदि किसी बात पर भरोसा करना चाहिए, यदि आपको संतान की आशीष चाहिए, तो आपको ये पूरी तरीके से मन में बैठा लेना है, स्वीकार कर लेना है और पूरी तरीके से विश्वास कर लेना है कि संतान मिलेगी तो सिर्फ परमेश्वर की सामर्थ्य से मिलेगी। अब्राहम और सारे विचलित हो गए। जब संतान नहीं मिली तो सारे ने कहा, तू हाजिरा के पास जो मेरी लौंडी है उसके पास चला जा। थोड़ी देर के लिए विश्वास टूट गया। शायद मैं
बहुतों से बात कर रहा हूँ, बहनों से। आपकी शादी के कई साल गुजर गए हैं, सब कुछ है आपके पास, लेकिन जब आपका पति काम पर चला जाता है, ऑफिस चला जाता है, आप बिस्तरे पर लेटे लेटे या बैठे बैठे आपकी आंखों से आंसू बहते हैं। मैं उन आंसुओं को देख रहा हूँ। परमेश्वर आपके दिल को, आपके दर्द को, आपके कांटों भरी जिंदगी को वो समझ रहा है। एक बहन मुझसे कहने लगी कि ब्रदर, हम आपके पास इसलिए आए हैं क्योंकि अब संतान नहीं हो रही है, तो हम एक बच्चे को एडॉप्ट करना चाहते हैं, परमेश्वर की क्या इच्छा है? मैं हंसने लगा और मैंने कहा, ऐसा क्यों सोच रही हैं? बोले, बहुत साल हो गया है, अब तो हमारी उम्र गुजरती जा रही है, अब कहाँ संतान मिलेगी। ये सच्ची घटना है खड़गपुर की, वेस्ट बंगाल में। मैं उस बहन से मिला, केवल उस मुलाकात में चार लोग शामिल थे, और जब मैंने प्रार्थना करके कहा चाइल्ड एडॉप्ट मत कीजिए, आपको परमेश्वर संतान देगा, मेरी प्रार्थना के बाद इस बहन को गर्व ठहरा और उसे अच्छा बेटा प्राप्त हुआ। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ही संतान देता है, और आपका विश्वास आपको परमेश्वर की आशीषों से जोड़ देता है। ऐसे मैं एक मीटिंग में था तो एक और बहन आकर बताने लगी कि उसे जब भी संतान ठहरती है, गर्भ ठहरता है, मिस कैरेज हो जाता है। मैंने कहा, कैसे मिस कैरेज हो जाता है? वो बताने लगी कि मैं अपने सपने में एक सांप को देखती हूँ, कोबरे को देखती हूँ, और जब ये कोबरा आएगा, एक ही दो दिन के अंदर मुझे मिस कैरेज हो जाएगा और मैं माँ नहीं बनती। मैं अपने अगले प्रसारण में आपको बताऊंगा किस तरीके की समस्याओं से आप कैसे बाहर आ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको इब्रानियों उसके 11 अध्याय में ले चलना चाहता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और यहाँ पे लिखा हुआ है, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। हालेलुया! सारा ने गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। आप पर जब ये सामर्थ आएगी, जब एक अभिषेक आएगा, तो आपकी उम्र यदि पार हो गई है तो भी परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म कर सकता है। एक बहन ने मुझे फोन किया और बोला, अब मेरा पीरियड बंद हो गया है, अब मैं एज को पार कर रही हूं। मैंने कहा, ऐसी हालत में भी आप विश्वास कर सकती हैं कि परमेश्वर आपके लिए मिरेकल कर सकता है। मिरेकल उनके लिए होता है और यह मिरेकल पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा होता है। यीशु मसीह के नाम में यहां लिखा हुआ है, गर्भ धारण करने की सामर्थ, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना है। आप डॉक्टर पर विश्वास करते हैं, या आप दवाइयों पर विश्वास करते हैं, या आप कुछ और इधर उधर की बातों पर, शिक्षाओं पर, शायद कुछ गुरुओं पर विश्वास करते हैं, या आप सिर्फ और सिर्फ यीशु नासरी पर विश्वास करते हैं। कोख मर गई है, इस कोख से कुछ पैदा नहीं हो सकता। सारा कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वो माँ बनेगी। आपको एक बात बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में, जब आप ये सोचते हैं कि नहीं हो सकता, उसी समय परमेश्वर प्रकट होकर के अपने हाथ को आपके ऊपर रख देता है। कहना शुरू करिए, मैं माँ बनूंगी, मैं माँ बनूंगी, मैं माँ बनूंगी, मुझे गर्व का फल मिलेगा। मेरी बहनों, मैं आपसे बात कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, और मैं परमेश्वर का सेवक होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं कि मेरा परमेश्वर आपकी स्तुति लेना चाहता है, आपके आंसुओं को पोंछ देना चाहता है, आपके शोक को नृत्य में बदल देना चाहता है, आपको एक उत्सव में ले जाना चाहता है। अपने संदेह को अपने मन से हटा दीजिए, संदेह मत करिए, अपनी कोख पर हाथ रखिए और कहिए, मैं माँ बनूंगी। जब सारा माँ बन सकती है, हन्ना माँ बन सकती है, राहेल माँ बन सकती है, नीलिमा माँ बन सकती है, फ्लोरेंस माँ बन सकती है, तो आप क्यों नहीं माँ बन सकती? यीशु मसीह का सच्चा प्यार आपके लिए है। पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर,
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो दिन आ रहे हैं जब परमेश्वर अपनी गर्भधारण की सामर्थ को आप पर उंडेलेगा। बांझपन एक अभिशाप, पुराने नियम में कई लोगों पर ये अभिशाप था, लेकिन नए नियम में अब ये अभिशाप नहीं है, क्योंकि गलतियों 3:13 में लिखा हुआ है कि व्यवस्था के श्राप से यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है। बोलिए मेरे साथ, मैं व्यवस्था के श्राप से आजाद हूं, मेरी प्रेगनेंसी ट्यूब खुलेगी। बहुत सारे बहनें माँ इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि उनके जीवन में शैतानी बंधन और अभिशाप काम करता रहता है। कई बार पीढ़ियों का श्राप उनके जीवन में काम करता रहता है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ आपको कि श्राप को यीशु मसीह ने मिटा दिया है। आई कैंसिल, पावर ऑफ गॉड इज फॉलिंग ऑन मेनी ऑफ यू राइट नाउ। सारे श्रापों को जो आप बहनों के ऊपर हैं और जो मां नहीं बन पा रही हैं, मैं उनको यीशु मसीह नासरी के नाम में कैंसिल करता हूं और कहता हूं आप मां बनेंगी, आप आशीष पाएंगी, आपको बेटा होगा, आपको बेटी होगी, आपका घर बसेगा, आपके घर में जन्मदिन मनाया जाएगा बच्चे का। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। कभी कभी मैं सोचता हूं कि सारा अब्राहम की पत्नी थी और उसने परमेश्वर के साथ चलने का निर्णय लिया था, परमेश्वर की आशीषों को अपने आंखों से देखा था, इसके बावजूद भी उसके मन में संदेह आ गया। लेकिन परमेश्वर ने कहा उत्पत्ति उसके 16 अध्याय में कि बसंत ऋतु में तेरे साथ ऐसा होगा। मेरे मित्रों, यदि आपके पास संतान नहीं है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, और इसी समय परमेश्वर अपनी सामर्थ को आपकी कोख पर उंडेलेगा। आपको कुछ करंट जैसा महसूस होगा, कुछ गर्म जैसा महसूस होगा, और आप संतान की आशीष को पाएंगी। आपको मैंने बताया अनॉइंटिंग, जब अभिषेक आता है कोख खुल जाती है। और इसी के साथ मैं आपको एक किताब हे नारी, इसमें मैंने बहनों के लिए अध्याय लिखे हैं। ये बहनों के लिए किताब है और इसका पहला अध्याय ही मैं माँ बनूंगी। इस किताब को मुझसे बिल्कुल फ्री आपको मैं दूंगा, सिर्फ आपको मुझे अपने बारे में एक चिट्ठी लिखना है। चिट्ठी लिखेंगी तभी आपको ये किताब भेजी जाएगी, और चिट्ठी में आप सब कुछ अपने बारे में मुझे बताएं। अब मैं प्रार्थना करूंगा, अपनी आंखों को बंद कर लें और अपनी कोख पर हाथ रखें और कहें, लगातार जोर जोर से बोलना शुरू करें, मैं माँ बनूंगी, मैं माँ बनूंगी, मैं माँ बनूंगी, आई एम गोइंग टू कंसीव। मेरी कोख खुलेगी, अब मैं श्रापित नहीं धन्य कहलाऊंगी। यीशु मसीह नासरी के नाम में सारी बंद कोखें जिन बहनों ने अपनी कोख पर हाथ रखा है खुल जाए, क्योंकि तूने कहा परमेश्वर कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें गर्व का फल दूंगा। इसी समय यीशु मसीह नासरी के नाम में सारे जादू टोना की सामर्थ, सारे शैतानी आक्रमण, सारे कंफ्यूजन, बंद प्रेगनेंसी ट्यूब खुल जा, और मेरी ये बहनें जो यीशु मसीह पर विश्वास करती हैं वे माँ बनेंगी। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपके पत्रों का इंतज़ार करूँगा और मुझे फ़ोन भी आप कर सकती हैं। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य तुझ पर आ रही है।